नमो नमोस्तु चंद्रा मरुद्गणेभ्यः अतुलित बलधामं भीमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातम् नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री सीतावर राम के पद पंकज सिरना सुमिरि गजानन सरस्वती मो पर हूँ सहा मातु पिता गुरु वंदना करते बारंबार प्रभु की परम प्रिय भक्त जन नमन करो स्वीकार नमन करो स्वीकार नमन करो स्वीकार बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय पवन सुत हनुमान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय उमापति महादेव की जय राम कथा अनुरागी प्रेमी भक्त जन की जय परम करुणा वरदाले अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर विश्वेश्वर भगवान श्री रामचंद्र एवं कृपामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी ममतामयी माँ जनक नंदिनी जी के चरणों में हम सभी भगवत भक्तजन प्रणाम करते हैं। आप सभी भगवत भक्तों को श्री राम के भक्तों को भगवान श्री राम एवं श्री सीता जी का स्वरूप समझ के मैं प्रणाम करती हूँ। आज भगवान की कथा का चतुर्थ दिवस है जिसमें हम सभी लोग भगवान की कथा कहने तथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो जैसा कि कथा का नियम है सभी लोग बड़े प्रेम से भाव से भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात जैसी हनुमान जी महाराज जी की इच्छा होगी वैसी कथा प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित करेंगे। कीर्तन सभी लोग करेंगे। नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि
बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कल कथा में आप सभी लोग श्रवण किए भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह। तत्पश्चात पार्वती जी शिव जी के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त करती हैं कि प्रभु अजहूं कछु संशय मन मोरे, और उस संशय के संदेह के निवारण हेतु भगवान शिव प्रभु श्री राम की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। पार्वती जी को प्रभु श्री राम के जन्मों के अनेक कारण बताते हैं। कथा के बीच में आप लोग मंच में ना आया करें, निवेदन है। कथा के बाद में बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रभु श्री राम के जन्म के अनेक कारण शिवजी पार्वती जी को बताते हैं। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, रावण का वध करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए प्रभु श्री राम साधारण मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं, दशरथ जी के वहां पुत्र बन करके। महाराज दशरथ को वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई है। पूरी अयोध्या धूमधाम से सजाई गई, आने जाने वालों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि अब किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि महाराज को पुत्र होगा। इसलिए जो जो जहां जहां से सुनता है, सभी लोग जहां तहां से आते हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए। और कितने प्रसन्न है दशरथ जी, तीनों रानियां। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे दशरथ जी के कानों में ये बात आती है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, कहा है कि जाकर नाम सुनते शुभ हो। दशरथ जी क्या कहते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिसका नाम सुनने से ही मनुष्य की शुभ होने लगते हैं, मनुष्य के साथ अच्छा होने लगता है, वो प्रभु श्री राम मेरे वहां अवतरित हुए। परमानंद पुरी मन राजा आज बहुत आनंदित हैं। सुमंत्र उनके मंत्री हैं, सुमंत्र को बुलाते हैं दशरथ जी और कहते हैं कि पूरे नगर को सजाओ, शहनाइयां बजवाओ और आज पूरे खजाने को खोल दो। जिसको जो चाहिए उसको वो देना, किसी को निराश नहीं करना। आज जो मुंह खोलेगा, जो मांग लेगा उसको वो दे देना। कोई आज मेरे अयोध्या से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। बड़ा विचित्र दान किया था दशरथ जी ने। उन्होंने उस समय ये भी नहीं सोचा था कि मैं लुटाने के बाद से भिखारी बनूंगा कि राजा ही रहूंगा, उनको इसकी भी चिंता नहीं थी। लोग यहाँ प्रसन्न भी होते हैं तो प्रसन्न में भी कई लोगों को होश रहता है। आप लोगों ने संसार में ऐसा नहीं देखा होगा,
दान के रूप में चाहे कोई जितना भी लुटा दे, प्रसन्न हो करके कोई अपना सब कुछ लुटा दे, ये दशरथ जी के ही विषय में सुनने को मिलता है। क्योंकि पुत्र रत्न के आगे तो उनको लगता है कि अब सब बेकार है, इसी के लिए तो बस मैं इतनी तपस्या किया, इतनी प्रतीक्षा किया। सुमंत्र को बुलाया और आदेश दिया, सब दान लेने के लिए आए थे, और ऐसा विचित्र दान दिया दशरथ जी ने। तुलसीदास जी एक चौपाई यहाँ पर लिखते हैं, यूं तो दान सभी लोगों ने लिया, लेकिन कुछ महाराज दशरथ जी ने ऐसा दिया कि जो सब लेते भी हैं और ले करके भी अपने पास नहीं रखते हैं। अर्थात महाराज दशरथ को सिर्फ प्रसन्नता नहीं है, पूरे नगरवासियों को प्रसन्नता है। अब नगरवासी तो राजा हैं नहीं जो लुटाएंगे, लेकिन जो पाते हैं वही लुटाने लगते हैं। आप लोग कल राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तो जो लुटाया जा रहा था, सब जो ले रहे थे आप, उसका भी एक नियम है। आगे कहीं कथा होगी इसलिए बता देती हूँ, अब यहाँ तो मान लीजिए राम जन्म हो गई। कहीं भी कथा में जब राम जन्म में कृष्ण जन्म में जाते हैं तो वहाँ जो कुछ भी लुटाया जाता है तो वो प्रभु के जन्मोत्सव में लुटाया जाता है। अब लूटने की प्रक्रिया क्या होती है कि किसी के हाथ में 10 भी आ सकता है और किसी के हाथ में 1 भी नहीं आएगा, ऐसा भी होता है। लूटने वाले का ये कर्तव्य होता है, जो पा गया उसका ये कर्तव्य होता है कि पहले वो देख ले अगल बगल में कहीं कोई ऐसा नहीं कि किसी को 1 भी ना मिला हो और हम 10-10 लेकर के जा रहे हैं। ये पाने की प्रक्रिया होती है। कहीं भी उत्सव होता है, कुछ भी जब हम पाते हैं तो उसका यही नियम है। क्योंकि जब दशरथ जी लुटाते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि सर्वस्व दान दिन सब काऊ, सर्वस्व दान दिया, सभी को दिया, लेकिन जे ही पावा राखा नहीं ताहु, जिसने पाया उसने अपने पास नहीं रखा, वो एक दूसरे को देते चले गए। जिसके पास नहीं वो भी पाना चाहिए, हर किसी को मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्रसाद होता है। यहाँ टॉफी चॉकलेट और खिलौने नहीं होते हैं कि टॉफी समझ के 10 ले लिए, ना ना, ये तो प्रसाद होता है, हमारे उत्सव का प्रतीक है। परम सौभाग्यशाली होते हैं वो जिनको भगवान श्री राम का और प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। साधारण बालक का जन्मोत्सव को तो हर घर में मनाया जाता है, लेकिन प्रभु का जन्मोत्सव मनाने को मिले तो समझिए जीवन सफल हो गया। सबसे बड़ा उत्सव है भगवान का उत्सव। सारी लोग जहां तहां से पधारे हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कितना लुटाया तीनों रानियों ने, कि कानन सुनियो जो लाल जन्मे हमारे गे, देह भरे नेह फिरे आनंद उमंग में, और दिनो दान सर्वस सब दीनन दरिद्रन को, दौड़ी दौड़ी आवे सब लेन एक संग में, दिन हो कभी मानस न जाते सो बखानो री तो, किन्हों है खजानो सब दे नहीं के रंग में, और चार चार चूड़ी बची कौशल्या के हाथों में, पागे और बिछौरा बचे दशरथ के अंग में, पागे और बिछौरा बचे दशरथ के अंग में। कितना लुटाया सुहाग के नाम पर, महारानी कौशल्या के सुमित्रा जी के हाथों में सिर्फ चार चार चूड़ियां बच गई, और दशरथ जी इतना लुटाए कि पाग और बिछौरा, मात्र पगड़ी और धोती बच गई उनके शरीर में, पूरा शरीर अपना खाली कर दिया। इसलिए कहते हैं कि साधारण व्यक्ति पहनता है सिर्फ पगड़ी धोती, लेकिन राजा महाराजा जो होते हैं वो पूरा गहने पहने होते हैं, लेकिन आज महाराज दशरथ एकदम खाली हो चुके हैं। दूर दूर से सभी लोग आते हैं, पार्वती जी को कथा सुनाते हुए शिव जी परम आनंदित हैं, बहुत प्रसन्न हैं। कहते हैं कि पार्वती तुमसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसको धैर्य पूर्वक मन लगा करके सुनना। प्रभु श्री राम अवतरित होते हैं, वशिष्ठ जी आते हैं और चारों बालकों का नामकरण संस्कार करते हैं।
अगला वाक्य शिव जी सती जी पार्वती जी से क्या कहते हैं कि औरों एक कहूं निज कहते हैं औरों एक कहो निज चोरी। मैं तुमसे एक अपनी चोरी की बात बताता हूँ। एक बार मैंने भी चोरी की थी। पार्वती जी अवाक हो जाती हैं, प्रभु आपने चोरी की थी? संसार में भला आपको कौन रोक सकता है? सब कुछ तो आपका है, पूरा ब्रह्मांड आपका है, फिर आपको क्या चाहिए था जो आपको चोरी करने की आवश्यकता पड़ गई? शिव जी कहते हैं काग भुसुंडी हम संग हम दो। उस चोरी में मैं अकेले नहीं था, काग भुसुंडी जी भी मेरे साथ थे, हम दोनों मिल करके चोरी किए थे। पार्वती जी कहती हैं प्रभु मुझे विस्तार से बताइए आपको क्या आवश्यकता पड़ी थी चोरी करने की। शिव जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जब अपने अंशों सहित अयोध्या में अवतरित हुए तो काग भुसुंडी नीलगिरी पर्वत से जा रहे थे दर्शन करने के लिए। मैंने देखा कागभूषणित जा रहे हैं, पूछा कहाँ जा रहे हो? कागभूषणित जी ने कहा प्रभु श्री राम अवतरित हुए, उन्हीं के दर्शनार्थ में अयोध्या जा रहा हूँ। मैंने सोचा ये कौवा हो करके कागभूषणित हो करके ये चला जाएगा भगवान का दर्शन करने के लिए और मैं नहीं दर्शन करूँगा, तो मैंने कहा मैं भी चलूँगा दर्शन करने के लिए। कागभूषणित जी तैयार हो गए, चलिए ठीक है प्रभु आप भी चलिए। दोनों लोग साथ में निकल तो पड़े, लेकिन जब अयोध्या के निकट गए तो काग भुसुंडी जी ने प्रभु के वेश को देखा, शिवजी के वेश को। इतना विराट स्वरूप, मस्तक पर जटा, जटे में चंद्रमा, गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, गले में सर्पों की माला, कान में सर्पों की माला, बाघम्बर लपेटे हुए। जब काग भुसुंडी जी को ये ध्यान आता है कि भगवान शिव इस वेश को लेकर के जाएंगे दर्शन करने के लिए, और तब तक वो शिव जी से कहते हैं कि प्रभु बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, प्रभु श्री राम अभी अवतरित हुए हैं और आप इस स्वरूप में जाएंगे अगर दर्शन करने के लिए तो आज तो पूरे अयोध्या वासी जान जाएंगे कि ये ब्रह्म है, कोई साधारण बालक नहीं है, अखिल ब्रह्मांड नायक ने अवतार लिया है, प्रभु का तो सारा नाटक बिगड़ जाएगा। तब शिव जी को भी ध्यान में आया ये तो मैंने विचार नहीं किया, अब क्या किया जाए, कोई उपाय न सूझे। कागभूषणी जी कहते हैं प्रभु आपके साथ आकर के तो हम भी जो है बड़ी बुरी तरह से फंस गए, अगर आप नहीं होते तो मैं तो कौवा, कोई न रोकने वाला न पूछने वाला, तुरंत उड़ के जाता हूँ प्रभु के एकदम पास बैठ जाता हूँ, दर्शन करके चला आता हूँ, अब आपको छोड़ के मैं जा भी नहीं सकता। भगवान ने कहा जाने भी नहीं दूंगा, तू अपने जाके दर्शन कर लेगा, फिर मेरी चिंता थोड़ी ही करेगा, तुझे तो मेरे साथ ही जाना है। अब दोनों लोग लगे सोचने क्या ऐसी योजना बनाई जाए, तो कागभूषणी जी ने कहा प्रभु यदि आप अन्यथा न लें तो मैं आपको एक सुझाव दूं। भगवान ने कहा कहो, कहा एक काम करिए, आप एक ब्राह्मण बन जाइए वयोवृद्ध और मैं आपका शिष्य बन जाता हूँ। और इस प्रकार दोनों ब्राह्मण बन करके चलते हैं, दर्शन करके चले आएंगे। कागभूषणी जी को लगता है कि ये बड़ा आसान है, सो बन गए शिवजी 80 वर्ष के वयोवृद्ध ब्राह्मण और कागभूषणी जी बन जाते हैं छोटे से उनके शिष्य 8 वर्ष के। दोनों लोग निकल पड़ते हैं अयोध्या की तरफ। अयोध्या में जब पहुंचते हैं तो इतनी भीड़ कि वहां कोई किसी को नहीं पूछता है, जो लोग महल के हैं वही अंदर आ सकते हैं, बाहर के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं हो रहा है, महल में इतनी ज़्यादा भीड़ है। एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गया, तीसरा दिन है और प्रभु बड़ी उदास होकर के बैठे हुए हैं कि इतना समय। और ये भी सोचते हैं कि बिना देखे मैं जाऊंगा नहीं, चाहे मैं यहीं रह जाऊं।
अरे लोग जानते हैं कि दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति हुई है, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो भी तो जानते होंगे कि मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। उनको भी तो कोई उपाय निकालना चाहिए, कोई तो विधि होगी जिससे मैं दर्शन कर सकूं। जब एक भक्त के अंदर, एक जीव के अंदर या किसी भी मनुष्य के अंदर भगवान को पाने की एकदम लालसा बन ही जाती है, ये हठ हो ही जाता है कि हम तो देखेंगे ही भगवान, तो प्रभु किसी न किसी रूप में दर्शन दे ही देते हैं, ये वास्तविकता है। लेकिन वैसा हठ होता नहीं है किसी के अंदर। शिवजी जब बैठे रहे 3 दिन तक, तो एक दासी को देखा काकभुसुंडी जी ने कि ये कौशल्या जी की दासी है, क्योंकि काकभुसुंडी भगवान श्री राम जब जब अवतरित होते हैं तब तब जाते हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए। काकभुसुंडी जी पीछे पीछे दौड़ते हैं, 8 वर्ष के बालक हैं, दौड़ते हुए और दासी से पूछा, माता सुनो सुनो सुनो, हाथ दिखाओगी? दासी बहुत प्रसन्न हो जाती है, बालक ब्राह्मण बालक समझ के प्रणाम करती है, बाबा हाथ आप देखेंगे। काकभुसुंडी जी ने कहा, ना ना मैं नहीं देखूंगा, वहां वट वृक्ष के नीचे मेरे गुरुदेव बैठे हुए हैं, वे बड़ी सुंदर हस्तरेखा देखते हैं। दासी ने कहा, अच्छा तो चलिए चलिए मुझे दिखाना है। हाथ देखने के लिए कौन नहीं तैयार होता है, झूठ मूठ का भी अगर कोई हाथ देखने लगे तो दिखाने वालों की भीड़ लग जाती है। आप खुद देखिएगा, अगर आप कहीं मार्ग में जा रहे हैं और आपको अगर कान में पड़ जाए कि अरे फला व्यक्ति बैठे बड़ी सुंदर हस्तरेखा देखते हैं, तो आप जो है आप भले उसके बारे में जाने चाहे ना जाने, लेकिन अपना हाथ अक्सर लोग फैला देते हैं, जरा हमारा हाथ देख लीजिएगा। और माताएं लोगों को तो पूछिए मत, और भोली वाली होती हैं, कोई पंडित जी बोल दिए कि हम जानते हैं तो अब बस हाथ, अब हम तो खुद ही हाथ देखना नहीं जानते हैं। अब तो खैर लोगों को जैसे तैसे समझा लेते हैं, बाल्यावस्था में बड़ी दिक्कत होती थी, कुछ लोग जबरी आकर के हाथ देख दीजिए, हाथ कितनी बार भी बोलो नहीं देखने आता नहीं देखने आता, फिर भी कुछ बता दीजिए। अब देखिए 2-4 बातें ऐसी होती हैं जो किसी के भी जीवन पे एकदम सटीक लागू हो जाती है, आपको बता देते हैं। कुछ हटके कोई बताए फिर तो ठीक है, लेकिन आप जब किसी को हाथ दिखाने जाएंगे और उसको अगर हाथ देखने नहीं आता है तो वो मालूम है क्या बताएगा, किसी के भी हाथ को देखेगा और कहेगा आप करते बहुत हैं लेकिन आपके हाथ में जस नहीं है। अब ये बात सभी लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, हाँ ये तो बात सही है, हम सबके लिए करते हैं लेकिन हमारे हाथ में जस नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं होता। दूसरी बात लोग ये कहेंगे, देखिए आप कमाते तो बहुत हैं लेकिन आपके पास बचता नहीं है। अब इस पे सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन कितनी मूर्खता की बात है, पैसा कमाया किस लिए जाता है, खर्च करने के लिए तो कमाया जाता है। अगर आपके पास खर्च करने के लिए भी पैसा आप कमा लेते हैं तो भी भगवान की बड़ी विशेष कृपा है, क्योंकि खर्च करने के लिए भी लोग पैसे नहीं कमा पाते। अब ये सुन करके लोग एकदम प्रसन्न हो रहे, पंडित जी ही एकदम सही कह रहे, मेरे पास तो पैसा बचता ही नहीं है। अरे कोई लाखों करोड़ों में कोई 2-4 ऐसे होते हैं जिनके बैंक में 10-20 लाख रुपया हमेशा पड़ा रहता होगा, सामान्य जीवन जीने वाले 2-4 लाख रुपए ही उनके पास होते हैं, वो भी होते हैं। तो सबके घर की स्थिति वही है कि अगर 5-10 लाख रुपया पड़ा हुआ है तो आपके सामने कम से कम 40 लाख का काम होता है कि हमको ये करना है ये करना है वो करना है, किसके पास पैसे रुकेंगे। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सभी के जीवन पे सटीक हो जाती है। अब ये दासी जो है, दासी भी तो बस स्त्री है, सुनती है जब हाथ दिखाना है तो ये एकदम प्रसन्न हो जाती है, हाँ हाँ मैं तो चलूंगी हाथ दिखाने। अब काकभुसुंडी दासी से पहले दौड़ते हुए पहुंचते हैं शिव जी के कान में, कहते हैं देखिए प्रभु बड़ी मुश्किल से मैं इसको बहला फुसला करके लेके आया हूँ, यदि आप इसको मना लेंगे ये मान गई तो दर्शन हो जाएगा कौशल्या जी की दासी। शिव जी ने कहा करना क्या है, काकभुसुंडी जी ने कहा हाथ देखना है। भगवान ने कहा बस बस बस, अरे बड़ा अच्छा कि ये जो ये बात बोल के आए, अब तो देखना मैं ऐसी हस्तरेखा देखूंगा एकदम सीधे लेके जाएगी हम लोगों को दर्शन कराने के लिए। अब आप स्वयं सोचिए, साधारण व्यक्ति अगर हाथ देखता है तो लोगों को एकदम
अपना बना लेता है उसको दो चार बात सुना करके। यहाँ तो शिव जी हाथ देख रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान जो त्रिकालदर्शी हैं सब कुछ जानने वाले हैं। अब जो उसका भूतकाल बताए सो बताए, किसी को विश्वास दिलाने के लिए उसके विषय में सब कुछ सही बताना पड़ता है। अब शिव जी को ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसा क्या बताऊं कि इसको तुरंत मेरे पे भरोसा हो जाए और ये तुरंत लेके हमको चल चले। वो दासी से वो जितना महल में खा करके आई है, कितने पूड़ी, कितने गिलास पानी, कितने गुलाब जामुन, जो जो खा के आई, शिव जी सब बताते हैं कि ये मुझे ज्ञानी समझे। और जो सब बताते हैं तो दासी की एकदम पागलों की स्थिति हो जाती है कि ऐसा ज्योतिषी तो जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। तुरंत दौड़ी हुई कौशल्या जी के पास जाती है दासी, महारानी के सामने हाथ जोड़ के निवेदन करती है कि महारानी, अयोध्या में आज एक ऐसा ज्योतिषी आए हुए हैं जो हस्त रेखाओं को देख करके भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बड़ा सुंदर बता देते हैं। महारानी, मैं तो निवेदन करूंगी, चार चार पुत्रों की प्राप्ति हुई है, आप शीघ्र बाबा जी को बुलाइए और चारों लल्लाओं के भविष्य को अवश्य दिखलाइए। कौशल्या जी भी प्रसन्न हो जाती हैं, अच्छा क्या बताया तुमको? दासी को जो जो बताया था सब दासी ने बता दिया। कौशल्या जी को भी उत्सुकता हो गई, ऐसे ज्योतिषी को तो तुरंत बुलाना चाहिए। दासी भी एकदम प्रसन्न है, एकदम गुणों का वर्णन करती है, साथ में एक बालक ब्राह्मण भी है, बड़ा तेज है उनके चेहरे पे, ऐसा तेज तो आज तक अयोध्या में मैंने किसी के भी मस्तक पे, किसी के भी चेहरे पे नहीं देखा। कि अवधे आजो आगमी एक आयो, अवधे आजो आगमी एक आयो, अवधे शिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो। कहती है कि संग सुशिष्य, सुशिष्य में सुंदर शिष्य विराजमान है, आप भीतर भवन के बुलाइए उनको, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, एकदम ब्राह्मण ही है ऐसा भी मैया मैं कह सकती हूँ। मैया ने तुरंत आदेश दे दिया, ठीक है जा लेकर के आओ। दासी जाती है और शिव जी के समक्ष जा कर के कहती है कि बाबा, आपको महल में महारानी ने याद किया है, आपको बुलाना चाहती हैं, आज चार चार पुत्रों की प्राप्ति हुई है, आपको बता दें तो उनके लल्लाओं के भविष्य को दिखलाना है, आप शीघ्र चलिए। शिव जी तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि दासी कब आए। दोनों लोग एकदम प्रसन्नता में नाचने लगे कि महल में जाने का अवसर प्राप्त हो गया। दासी पूछती है, आप लोग नाच क्यों रहे हैं? शिव जी कहते, तू ये जानकर क्या करेगी, आगे आगे दासी, पीछे पीछे भगवान शंकर। जब पहुंचते हैं तो महल में इतनी भीड़ है, द्वारपाल रोक देते हैं, अंदर नहीं जाना है क्योंकि बहुत भीड़ चल रही है। दासी कहती है कि महारानी ने स्वयं बुलाया है, द्वारपाल कहते हैं नहीं जाने देंगे, अगर महारानी ने बुलाया है तो लिखित राजाज्ञा चाहिए, महारानी का उस पर दस्तखत होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए जा लेके। दासी फिर जाती है अंदर और महारानी से कहती है कि महारानी ऐसी ऐसी समस्या है। कौशल्या जी कहती है, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, तुरंत उठाती है, लाइए मैंने साइन कर दिया, आप जा करके वो बाबा जी का नाम बस इस पे लिख लेना, लेके चली जाना। जाती है दासी और शिव जी से पूछती है, बाबा आपका नाम क्या है, इस पे लिखना है। तो काकुसुंड जी प्रभु के कान में कहते हैं कि प्रभु अब तो आप फंस गए। कहा कैसे? कहा सही बोलेंगे कि हम भगवान शंकर हैं? शिव जी कहते हैं ना, काकुसुनिध कहते हैं, अरे आप त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप झूठ बोलेंगे शोभा देगा? शिव जी ने कहा, ना झूठ तो नहीं बोलेंगे, तो क्या करेंगे, सच बोलेंगे तो लोग जान जाएंगे और झूठ बोलेंगे तो कोई, फिर जब भगवान ही झूठ बोलेंगे तो आदमी पे कौन भरोसा करेगा।
शिव जी ने कहा हम एकदम सत्य बोलेंगे। दासी को बुलाया और कह दिया कि जा करके कह दो नाम है ज्योतिषाचार्य श्री शंकर पंडित। उसके बाद से काग उसनीत से पूछते हैं बताओ मैंने झूठ बोला कि सही बोला। दासी जो है प्रसन्न है, काग उसनीत मुस्कुराते हैं। लिखा जाता है, दासी ले जा करके देती है और तब महल में शिव जी और काग उसनीत जी का प्रवेश होता है। कौशल्या मैया ने जब शिव जी को देखा तो ऐसा अनुपम तेज, एक ब्राह्मण वयोवृद्ध ब्राह्मण समझ करके प्रणाम किया, आसनी दिया, उनके चरणों को धोया कि पांव पखारी पूज दियो आसन, पांव आसन पर सुशोभित किया, फिर चारों ललाओं को बुलाया। तीनों रानियां हैं सुमित्रा जी के गोद में, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, कैकेयी की गोद में भरत जी हैं, कौशल्या जी के गोद में राम हैं। कौशल्या जी सुमित्रा को आगे बुलाती हैं कि पहले तू चरण स्पर्श करा बालकों का। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी शिव जी के चरण स्पर्श करते हैं, शिव जी आशीर्वाद देते हैं। फिर कैकेयी को बुलाती हैं कौशल्या कि तू भी चरण स्पर्श करा ले। भरत जी शिव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको भी यथोचित आशीर्वाद देते हैं। अब आती हैं कौशल्या जी राम जी को लेकर के। जैसे कौशल्या जी राम जी को लेकर के आती हैं वैसे ही भगवान अपने आसन से उठ जाते हैं। कौशल्या जी अवाक हो जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं, मेरे तीन ललाओं को अभी आशीर्वाद दिया आपने और ये जब चरण स्पर्श करने जा रहा है तो आपने अपना आसनी छोड़ दिया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों पीछे जा रहे हैं। शिव जी मन ही मन सोचते हैं कि कैसे प्रणाम कराऊं, ये तो मेरे इष्ट देवता हैं, इष्ट देवता को मैं अपने चरणों में झुकाऊं ये तो अनर्थ होगा। और राम जी एकदम ऊंचे ऊंचे स्वर में चिल्ला चिल्ला करके रोने लगते हैं, ये सोच करके कि अभी तो बाल्यावस्था में हूँ तो किसी बहाने में इनका चरण स्पर्श कर लूंगा, बाद में पता नहीं फिर कभी चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सोच के राम जी रोते जा रहे हैं। कौशल्या जी कहती हैं बाबा आप बड़ा अन्याय कर रहे हैं मेरे इस बालक के साथ, आपको तनिक दया भी नहीं आ रही, मेरा बालक कितना रो रहा है। शिव जी मन ही मन कहते हैं मैं जानता हूँ आपका बालक कितना रो रहा है, ये कोई रोने वाला थोड़े ही है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, ये जैसे मैं सोच रहा हूँ बस वैसे ये भी सोच रहा है। मन ही मन प्रभु कहते हैं ना ना मैं ऐसा नहीं करूँगा, चरण स्पर्श नहीं करा सकता। लेकिन कहें क्या, कौशल्या जी बार बार निवेदन करती हैं, शिव जी कहते हैं देखो मैया हमारा तो नियम है जो परिवार का बड़ा पुत्र होता है हम उससे अपना चरण स्पर्श नहीं करवाते। कौशल्या जी कहती हैं तो बाबा एक बात मेरी भी सुन लीजिए, हम अयोध्या की महारानी हैं और दूसरे इस समय हम आपके सेवक बन करके आपके सामने खड़े हैं, तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। कहा गया है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो आज तो हम आपके सामने याचक बन के खड़े हैं, बस आपसे यही मांग रहे हैं कि हमारे लल्ला को भी आशीर्वाद दे दीजिए, चरण स्पर्श करवा दीजिए। पीछे हटते हटते शिव जी लड़ जाते हैं दीवाल से, वहीं रुक जाते हैं और कौशल्या मैया ला करके राम जी को शिव जी के चरणों में डाल देती है। राम जी चुप हो जाते हैं, शिव जी अपने गोद में लेते हैं। राम जी शिव जी को देख रहे हैं, शिव जी राम जी को देख रहे हैं, राम जी का एकदम बालक स्वरूप है। राम जी को जो देखते हैं शिव जी तो नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं, प्रभु के नन्हे नन्हे कपोलों पर भगवान शिव के एक एक आंसू गिरते हैं। प्रभु इसलिए रो रहे हैं शिव जी कि जन्मों जन्मों तक लोग तपस्या करते हैं,
और उनका नाम भी अंतिम समय मुख से नहीं निकलता है। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं सिर्फ इसलिए एक बार बस मरते समय भगवान का नाम मुख से निकल जाए, क्योंकि मरते समय बस निकल जाएगा मुख से तो इस भवसागर में नहीं आना पड़ेगा। फिर भी प्रभु का नाम मुख से नहीं निकलता है, और वो प्रभु श्री राम शिव जी की गोद में हैं, जिनको एकदम पास से नेत्र भर करके शिव जी दर्शन कर रहे हैं, यही सोच करके भगवान शिव के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं कि मैंने कौन सा कर्म किया है, कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं कि जो पूरे सृष्टि की रचना किए, जो पूरे सृष्टि का भार उठाए हुए हैं नींद में, उस भगवान को मैं अपने गोद में उठा लिया। ऐसा सोच करके शिव जी के नेत्रों से आंसू गिर रहा है। और फिर कौशल्या मैया शिव जी से कहती हैं कि बाबा, मैंने सुना है आप बड़ी सुंदर हस्तरेखा देखते हैं, करबद्ध निवेदन है आपसे, जरा हमारे लल्लाओं के हस्तरेखा को देखिए और कुछ बताइए। प्रसन्न होकर के शिव जी राम जी के हस्तरेखा को देखते हैं और बाल्यावस्था से वर्णन करने लगते हैं, आपका बालक माता बड़ा तेजस्वी होगा, गुरु का प्रेमी होगा, माता पिता का प्रेमी होगा, सारे संसार में आपको यश दिलाएगा, ये बड़े बड़े राक्षसों का संहार करेगा, ताड़का को मारेगा और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करेगा, ये अहिल्या का उद्धार करेगा, जनकपुर में जाएगा, जो धनुष को कोई नहीं तोड़ पाएगा पूरे ब्रह्मांड में, उस धनुष को आपका पुत्र तोड़ेगा, और जनकपुर में सीता जी से इसका विवाह होगा। आगे बोलने जा रहे थे कि राम जी ने नेत्रों से प्रभु को इशारा कर दिया, बस अब इतना तक रहने दीजिए। शिव जी पूछते हैं क्यों, का इसके आगे का आप जानते हैं, इसके आगे क्या है, वन गमन, दशरथ मरण, सीता हरण, आप देख रहे हैं आज अयोध्या कितनी आनंद में है, ये सब कुछ बता करके आज ही सबको शोक में डाल देंगे। शिव जी ने कहा ना प्रभु। और तब शिव जी ने कहा, मैया देखो बालक तुम्हारा छोटा है, इतनी ही हस्तरेखा बनी है, अब आगे की बात मैया फिर कभी आएंगे तो बतला देंगे। कौशल्या जी पूरा थाल से जाकर के दक्षिणा देने के लिए लाती है, शिव जी मना कर देते हैं, नहीं 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 चाहिए, इतना ही मांगता हूँ जब तुम्हारे दरवाजे पे कोई आए तुम्हारे लल्ला का दर्शन करने के लिए तो अपने लल्ला का दर्शन करा दे। शिव जी चले जाते हैं काकभूषणी जी के साथ, काकभूषणी जी भी गोद में लेकर के दर्शन करके और कैलाश पर्वत पहुंचे, काकभूषणी जी पहुंचे नीलगिरी पर्वत पर। पार्वती जी प्रभु से पूछती हैं कि अच्छा प्रभु, तो यही आपने चोरी की थी? भगवान ने कहा हाँ चोरी की थी, और फिर पता लगा कि चोरी करने में कितना डर लगता है, बार बार यही भय लग रहा था कि कहीं भेद खुल न जाए कि हम कौन हैं। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा ना, कभी पता नहीं कुछ कभी चोरी किए होंगे तो ऐसा सभी के मन में डर बना रहता है भेद खुल न जाए, कोई जान, जब तक चोरी कर नहीं लेते चोरों की आदत होती है। शिव जी क्या कह रहे हैं कि हमने भी चोरी की है, इस चोरी में और अन्य चोरी में कितना अंतर है, ये चोरी आत्मा को सुख देने के लिए है, शरीर को सुख देने के लिए नहीं है, आत्मा की तृप्ति के लिए। आत्मा की तृप्ति के लिए कौन सी चोरी लोग करते हैं, सत्संग की चोरी करते हैं, भगवान की पूजन सामग्रियों की चोरी करते हैं,
कि हम भगवान को कुछ अर्पण कर लें। जैसे मीरा जी चोरी से भजन सुना करती थी, क्योंकि उस समय में स्त्रियों को पुरुषों के बीच में बैठ करके भजन गाना ये बिल्कुल भी उस समय के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। उस समय के लोग मानते थे कि ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। चोरी से भजन सुनती थी, चोरी से भगवान श्री कृष्ण की दिन रात पूजा करती थी कि कोई जान न पाए, चोरी से प्रभु की मूर्ति से बातें किया करती थी। लेकिन ये चोरी कितनी भली थी, परमात्मा के लिए वो चोरी थी। ठाकुर जी के लिए चोरी करिए, इसकी छूट है, क्योंकि अन्य जगह तो संसार में चोरी बहुत लोग करते होंगे। आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, अन्य लोगों की बात कर रही हूँ। बहुत लोग संसार में अच्छे से अच्छे लोग हैं और बुरे से बुरे लोग हैं। अच्छाई का भी अंत नहीं है और इस संसार में बुराई का भी अंत नहीं है, हर प्रकार के लोग हैं। तो चोरी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो चोरी वास्तव में चोरी है जो भगवान के लिए कर दी जाए। भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, कैसा ये अनोखा है जो मेरे लिए चोरी कर रहा है। हाँ, लेकिन सावधान होकर के चोरी करिएगा बस, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। एक बार हम भी छोटे थे, तो अब अपने वहाँ तो जो है थोड़ा कम पुष्प होता था, शहर में रहना होता था, तो थोड़ी दूर कॉलोनी में 1.5 किलोमीटर की कॉलोनी में बड़े अच्छे अच्छे फूल मिल जाते थे भगवान को चढ़ाने के लिए। तो एक दिन 4:30-5 बजे निकल गए फूल तोड़ने के लिए। अब बगल की एक जो है भाभी जी थी, वो भी साथ में चली जाती थी। वो 5 बजे इतना सारा फूल अब जो है ठाकुर जी को जब वो चढ़ाया, तो उस दिन ठाकुर जी बड़े सुंदर लगने लगे। अब दूसरा दिन ये हुआ तो एकदम इच्छा होगी कि अब आज भी जाएं। उस दिन भी पहुंचे तो देखे सारा फूल जो है उतर चुका था। एकदम निराश होकर के घर लौटाए, भाभी से कहा कि देखो अगले दिन हम लोग फिर चलेंगे, लेकिन अब 4:30 बजे नहीं, अब 4 बजे चलेंगे। 4 बजे के फिर वापस सारा का सारा फूल मिल गया, सारा तोड़ करके लेके चले आए। अगले दिन जब 4 बजे पहुंचे, चौथे दिन, तो सारा फूल फिर से गायब। क्योंकि भाई बहुत लोग होते हैं भगवान को चढ़ाने वाले, सिर्फ हम ही तो हैं नहीं। अब जब 4 बजे भी फूल जब नहीं मिला, तो मैंने कहा कि अब हम लोग 3:30 बजे उठेंगे। अब वो जो है रुष्ट होने लगी, नहीं 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 ये कोई बात नहीं होती 3:30 बजे, अरे बहुत रात होती है, तो कॉलोनी है, शहर है, यहीं पुलिस चौकी है, उसमें क्या है। और 3:30 बजे मैंने उठा दिया, 3:30 बजे कुछ फूल खिले थे, कुछ खिले भी नहीं थे ठीक से। वो तो घर में ला के आप देखते होंगे, पानी में रखते हैं तो पूरे फूल खिल जाते हैं। तो वैसी व्यवस्था करके 3:30 बजे भी सारे फूल मिल गए। अब जो छठवें दिन पहुंची, सारे फूल तो थे, लंबा सा बस ये कमर तक की वहाँ छोटी सी टेरिस थी जिस पे चढ़ करके फूल हम लोग तोड़ा करते थे। और छठवें दिन चढ़ी थी, फूल तोड़ ही रही थी कि एक बाबा जी अंदर से डंडा लेकर के निकले, और वो हड़बड़ाहट में भागने के चक्कर में उसी पर से गिरी। ये दोनों घुटने जो है यहाँ एकदम छिल गए और ये खून निकलने लगा यहाँ से। वो भागते 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 सीधा घर आकर के रुके। घर से बहुत डांट सुनने को मिली, क्योंकि घर में किसी को पता नहीं था 5-6 दिन से कि हम लोग क्या करामात कर रहे हैं इस फूल के लिए। लेकिन वो चोरी याद आती है, हमेशा भूलती नहीं है। अब तो हमारे वहाँ से ही चोरी हो जाती है, लोग अपने वहाँ नहीं लगाते हैं। भगवान के लिए भी चोरी करते हैं तो वह कह तो रहे हैं कि भगवान के लिए चोरी करनी चाहिए, लेकिन एक बात और है, वो चोरी जब हो जाती है तो अपने को बड़ा क्रोध भी आता है। अब जैसे नवरात्रि है और कुछ उत्सव आदि होते हैं, पूजा पाठ घर में है, और उस दिन आपको फूल चढ़ाना हुआ, आप जब घर से बाहर निकलते हैं देखते हैं आपके दरवाजे पे एक भी फूल नहीं है, तो क्रोध आता है फिर चोरी करने वालों का। ऐसा लगता है कि दूसरों के लिए ही हमने ये सब किया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि शिव जी कहते हैं, देखो पार्वती मैंने चोरी तो की, लेकिन वो चोरी मैंने सिर्फ भगवान का दर्शन करने के लिए किया। प्रभु का नाटक न बिगड़े इसलिए मुझे प्रदर्शित भी नहीं करना था कि मैं शंकर हूँ, मैं प्रभु का दर्शन करने आया हूँ। प्रभु का नाटक बिगड़ जाता है, इसलिए मुझे ये चोरी करनी पड़ी। पार्वती जी ने कहा, चलिए प्रभु वो सब तो ठीक है, आप ये बताइए कि आपको दर्शन कैसे हुआ। शिव जी ने कहा, दर्शन कैसे हुआ, अरे एक दासी थी बस, उसी ने दर्शन करा दिया। पार्वती जी कहती है, अच्छा तो वो दासी कौन थी। शिव जी ने कहा, अरे भाई आम खाने से मतलब है, गुठली कौन गिनने जाए, हमको राम जी का दर्शन करने गए थे। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, जिसके माध्यम से आपने दर्शन किया, कम से कम जानना तो चाहिए था कि वो कौन थी, कहाँ की थी।
शिव जी कहते तुम्हें बड़ी उसकी चिंता है। पार्वती जी कहती है क्यों ना हो, तीन दिन से आप लोग बैठे हुए थे, उसी दासी के कारण आप लोग दर्शन कर पाए। शिव जी कहते हैं हाँ, त्रुटि तो हुई, उस दासी का तो धन्यवाद करना चाहिए था। देखो पार्वती, बाद में वो दासी मिली ही नहीं, इसलिए हम धन्यवाद नहीं दे पाए। पार्वती जी कहती है तो अब कर लीजिए। शिव जी कहते हैं कहाँ मिले। पार्वती जी ने कहा मैं ही तो हूँ, मैं ही थी वो दासी। और वो शिव जी प्रसन्न होते हैं, आप थी। पार्वती जी ने कहा हाँ, मैं जान गई थी आप दर्शन करने जा रहे हैं, तो मैं भी चली गई। मुझे तो आसानी से दर्शन हो गया, लेकिन मैंने देखा आप लोग और भी समय लगने वाला है, आप लोगों को कोई उपाय नहीं सूझेगा, तो फिर मैं ही दासी बन करके चली आई आपको दर्शन कराने के लिए। प्रणाम दोनों लोग प्रभु को करते हैं और शिव जी बार बार धन्यवाद देते हैं पार्वती जी को कि धन्य हैं आप कि आपके मन में प्रभु की कथा सुनने की, प्रभु के दर्शनों की इतनी तीव्र इच्छा है। आगे शिव जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, एक भजन और फिर सभी लोग प्रभु की कथा श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। कि मोरी छोड़ो न बैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न बैया अवध सैया, मोरी छोड़ो we'll be right back.
सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा सुनाते हुए शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं, प्रभु श्री राम छोटे हैं और सुंदर सा श्रृंगार करती हैं कौशल्या मैया। कौशल्या करके श्रृंगार करके एक बार कौशल्या मैया पालने में श्री राम जी को लिटा दी और अपने स्नान ध्यान करने के पश्चात इष्ट देव की इष्ट देवता की पूजा करने गई। वहां जब पहुंचती हैं पूजा करने के लिए तो देखती हैं कि जिस भगवान श्री राम का श्रृंगार करके लिटा करके कौशल्या मैया आ रही हैं वही प्रभु श्री राम जो इष्ट देवता की पूजा के लिए लड्डू रखे हुए थे वो बैठ करके और लड्डू खा रहे हैं। कौशल्या मैया को आश्चर्य होता है कि मैं तो श्री राम को पालने में लिटा करके आ रही हूँ, फिर वापस दौड़ती हुई जाती हैं, देखती हैं तो पालने में प्रभु श्री राम सो रहे हैं। फिर वापस आती हैं दौड़ते हुए तो क्या देख रही हैं कि जहाँ पूजा का कक्ष है वहाँ प्रभु श्री राम बैठ करके और पूजा का भोग खा रहे हैं। कभी वहां जाती हैं कभी यहाँ जाती हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार जननी अनवारे, एक बार जननी अनवारे, एक बार जननी अनवारे, एक बार जननी अनवारे, देव भगवाना पूजा है तो किन्ने स्नाना सब कुछ करने के पश्चात जब दो रूप देखती हैं भगवान श्री राम का तो बाबा क्या लिखते हैं, बालक देखा। मन मनी मन सोचती हैं कि मैंने दो बालक देखे हैं या मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और आ गया है, ऐसा क्यों हो रहा है। जब भ्रमित हो जाती हैं एकदम तो प्रभु श्री राम फिर से कौशल्या मैया को दर्शन देते हैं चतुर्भुज स्वरूप में और कौशल्या मैया हाथ जोड़ करके, लोग चाहते हैं कि हम भगवान का दर्शन बार बार करें। कौशल्या मैया प्रभु से कहती हैं कि हे प्रभु मुझ पे कृपा करिए, मैं अब आपका ये स्वरूप नहीं देखना चाहती। प्रभु ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये बार बार चतुर्भुज स्वरूप आप मुझे दिखाते रहेंगे तो मैं आपको पुत्रवत प्रेम नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो यही लगेगा कि संसार का मालिक वो ब्रह्मांड नायक मेरा पुत्र है, तो आपको फिर मैं तो भगवान समझूंगी, मैं आपको पुत्र कहाँ समझ पाऊंगी। और एक साथ में आशीर्वाद और दीजिए, अभी अभी मैंने आपके जिस स्वरूप को देखा है उस इस वाक्य को मैं भूल जाऊं, मुझे ये याद ना रहे कि मैंने आपके चतुर्भुज स्वरूप को देखा है, क्योंकि मैं आपको अपने बालक के रूप में ही देखना चाहती हूँ। प्रभु कौशल्या जी को तथास्तु कहते हैं, उस वाक्य को कौशल्या जी भूल जाती हैं। प्रभु थोड़े से बड़े होते हैं, चूड़ा करण किन्ने गुर जाए, विप्रन बहु दक्षिणा पाई, सारे ब्राह्मणों को यथोचित दशरथ जी दान देते हैं। चूड़ा करण चारों भाइयों का संस्कार होता है, अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं प्रभु श्री राम करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु साधारण बालक की लीला करते हैं कि दो लोग देख करके भ्रमित हो जाएं कि ये प्रभु हैं कि नहीं हैं।
आप लोग कथा सुन ही रहे थे परसों की, सती जी को संदेह हो जाता है कि ये प्रभु हैं कि नहीं है। तो प्रभु ऐसे साधारण बालक की लीला करते हैं। एक बार महाराज दशरथ बैठे हुए थे भोजन करने के लिए, उनकी इच्छा हुई कि हम राम के साथ भोजन करेंगे। उन्होंने सुमंत्र को कहा कि जाओ राम को बुला करके लेके आओ। राम जी कुछ मित्रों के साथ खेल रहे थे। सुमंत्र जी जाते हैं, मित्रों में जो राम खेल रहे हैं तो जा करके कहते हैं कि महाराज ने आपको बुलाया है, राम आपके साथ भोजन करना चाहते हैं। अब राम जी तो बाल लीला कर रहे हैं। राम जी को क्या उस समय पता है, एक बालक को क्या पता होता है कि उसका पिता मंत्री है कि प्रधानमंत्री है कि मुख्यमंत्री है। उसके लिए तो भाई उसके पिता साधारण से ही हैं। और राम जी को जब सुमंत्र जी कहते हैं कि चलिए महाराज का बुलावा है, तो राम जी तुरंत हाथ उठा के कहते हैं हम नहीं आएंगे, मित्रों के साथ अभी खेल रहे हैं। अब सुमंत्र जी संकोच करने लगते हैं, मैंने आज तक महाराज के सामने नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया है, कैसे जा करके मैं कहूँ कि राम जी ने मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे। सुमंत्र जी जाते हैं और दशरथ जी के सामने मुस्कुराते हुए खड़े हो जाते हैं। कौशल्या जी पूछती हैं क्या हुआ, तो सुमंत्र जी कौशल्या की तरफ देखते हुए इशारा कर देते हैं कि नहीं आ रहे हैं। कौशल्या जी खड़ी हो जाती हैं कि अरे महाराज बैठे हुए हैं, राम के साथ भोजन करने की उनकी इच्छा है। हर पिता को इच्छा होती है कि जब हम बैठ रहे हैं तो हमारा बालक भी हमारे साथ खा ले। नाती पोते या बालक घूमते हुए आ जाते हैं, आदमी एक निवाला अपने बालक को भी खिला देता है, नाती पोतों को भी खिला देता है। आज महाराज की इच्छा हुई है कि हम अपने पुत्र के साथ भोजन करें। कौशल्या जी कहती हैं कैसा ढीठ हो गया, मैं लेकर के आती हूँ। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भोजन करत बोली जब राजा, भोजन करत बोली जब राजा, आवत तजी बाल समाजा, भोजन करे तो बोली जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, अपने बाल समाज को छोड़ना नहीं चाहते हैं, नहीं आ रहे हैं। कौशल्या जी दौड़ पड़ती हैं बुलाने के लिए। कौशल्या जी जब बुलाती हैं तो भी प्रभु श्री राम कह देते हैं हम नहीं आएंगे। अब कौशल्या जी राम जी के पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं, नहीं रुक जा महाराज बुला रहे हैं, महाराज की बातों को नहीं ऐसे नहीं करते, तेरे पिता बुला रहे हैं, उनकी बड़ी इच्छा है। राम जी भागने लगते हैं, पीछे पीछे कौशल्या जी दौड़ रही हैं कि कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमके प्रभु चलन पराई, ठुमके ठुमके प्रभु चलन पराई, कौशल्या। कौशल्या जी जब जाती हैं कि चलो राम सुन लो क्या कह रहे हैं, और ठुमुकी प्रभु चल ही पर आई, प्रभु के पाँव में पैंजनिया है, सिर पर सुंदर सी चोटी बनाई है कौशल्या मैया ने, नाक में उनकी नथुनी पहनाई है कौशल्या मैया ने। ये तब की बात है, त्रेता युग की बात है। कलयुग में तो लोग लड़कों को पैंजनिया पहना दे वही बहुत बात है, बहुत बड़ी बात है। कहाँ लोग लड़कियों को पहना देते हैं, लड़कों को कई लोग नहीं पहनाते। और पैंजनिया राम जी को भी पहनाया गया है, ऐसा वर्णन है, लिखा गया है। और कृष्ण जी के भी पाँव में पैंजनिया पहनाई गई है। ये पुरुष ही थे, स्त्री नहीं थे, लेकिन तब क्यों पहनाया जाता था इसका भी एक कारण था, बहुत बड़ा कारण था। आजकल बच्चों को जब चलना होता है, चलने लायक होते हैं, तो माता पिता को इतना समय कहाँ होता है कि बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सीखे। आजकल इसे वॉकर में डाल दिया जाता है, अपने आप चलना सीख लेगा, ऐसे ऐसे भाई उपकरण हो गए हैं। लेकिन तब के समय में उंगली पकड़ के लोग चलना सिखाते थे। अब जो पाँव में पैंजनियाँ होती थी, तो आप देखते होंगे बच्चों के सामने जब झुनझुना बजाया जाता है तो वो सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है। वो कई बार बच्चे रो रहे होते हैं और झुनझुना बजा दीजिए तो चुप हो जाते हैं। पाँव में पैंजनियाँ इसलिए पहनाया जाता था कि जब वो एक बार अपना पाँव आगे रखते थे भूमि पर, जो झन की आवाज़ आती थी तो उससे वो प्रसन्न होते थे, ये कहाँ बज रहा है।
और फिर उत्सुकता बस दूसरा कदम उठाते थे। जब वो देखते थे कि वो अपना पैर उठा रहे हैं तो उसी से आवाज़ निकल रही है, उस आवाज़ को सुनने के लिए वो बार बार जो है दौड़ा करते थे। इस कारण से लड़के या लड़की किसी को भी पुराने समय में पैंजनिया पाँव में पहना दी जाती थी। तो राम जी के पैरों में भी पैंजनिया है, भाग रहे हैं प्रभु, कौशल्या जी पीछे पीछे दौड़ रही हैं, राम रुक जा रुक जा रुक जा, राम जी नहीं रुकते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि ठुमकी चलते राम चंद्र, बालक रोता है वैसे प्रभु श्री राम ऊंचे ऊंचे स्वर में रो रहे हैं। कौशल्या मैया गोद में पकड़ लेती है और कौशल्या मैया बार बार पूछती हैं कि मैंने तो तुझे अभी मारा भी नहीं, फिर तू रो क्यों रहा है। राम जी रोते रह रहे हैं, रोते रह रहे हैं। बार बार कौशल्या मैया पूछती हैं, राम जी कुछ नहीं बोलते, बस रोते जा रहे हैं। उनके मन में डर बैठ गया है कि इतना मैया को दौड़ा दिया, मैया तो अब मुझे मारेगी। कौशल्या मैया घबरा जाती हैं कि इतना रो रहा है कि सब लोग समझेंगे कि कौशल्या ने कितना मारा होगा और मैंने तो इसको छुआ भी नहीं। बार बार चुप कराने का प्रयत्न करती है, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे एक बार बताओ। कि मोदक चाहिए, क्या चाहिए, मन भावे सुली उलाल, तुम्हारे मन को जो अच्छा लगता हो सो मांग लो, लेकिन रो मत, इस तरह से नहीं रोते हैं। और तब राम जी तो मनुष्य की लीला कर रहे हैं, राम जी को ऐसा लगता है कि अच्छा मतलब चुप होने के लिए मुझे कुछ मांगना पड़ेगा। अब जब राम जी को ऐसा लगता है तो बड़ी विचित्र चीज की मांग करते हैं। कौशल्या जी जब पूछती है कि मन भावे सुली उलाल और नहीं है रुचि पान, मैं अपना दूध पिला देती हूँ, राम जी कहते हैं ना, क्या चाहिए, कंचन झुनझुनिया ठुमके
दुनिया का अर्थ होता है, कंचन का मतलब क्या होता है? सोना। राम जी कहते हैं कि हमको सोने की झुंझुनी ला करके दो, तब हम चुप होंगे। और कौशल्या मैया सोने की झुंझुनी ला करके देती हैं। श्री राम जी पूरा धूल में लपेटे हुए हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि धूसर धूरी भरे तनु आए, धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोप बैठाए, भूपति बिहसी गोप बैठाए, धूसर धूरी। का पूरे शरीर में राम जी की धूल लगी हुई है, और वैसे ही पकड़ करके कौशल्या मैया दशरथ जी के समक्ष ले करके आती हैं। दशरथ जी राम जी को पूरा ऊपर से नीचे तक देखते हैं और हंसते हुए राम जी को गोद में बैठा लेते हैं। बड़े प्यार से राम जी को अपने हाथों से दशरथ जी यहाँ भोजन कराते हैं। तत्पश्चात आगे की कथा का वर्णन करते हुए शिव जी कहते हैं कि राम जी अब बड़े हो गए हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों लोग बड़े हो गए हैं। चारों लोगों के यज्ञोपवीत का समय आता है। गुरुदेव और माता पिता मिलकर के विचार करते हैं कि अब इनको जनेऊ दिया जाए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भय कुमार जब ही सब भाता, जब वह सब भ्राता। कुमार अर्थात किशोरावस्था। पांच अवस्थाएं होती हैं मनुष्य के, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। सारी अवस्थाओं के उम्र भी निर्धारित हैं। एक वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक बाल्यावस्था में गिनती होती है, 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक किशोरावस्था में, 16 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक युवावस्था में, 40 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था में, और 60 वर्ष के बाद की आयु को वृद्धावस्था कहा जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन्ही जनेऊ गुरु पित माता। जब किशोरावस्था में चारों भाई आते हैं तो उस समय जनेऊ दिया जाता है। तत्पश्चात गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। वशिष्ठ जी के आश्रम में चारों लोगों को दशरथ जी भेजते हैं। वहाँ अल्पकाल में ही, थोड़े समय में ही सारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाती है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की। जब वापस आते हैं नगर में तो राम जी का क्या कार्य होता है, ये तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रातः काले उठी कै रघुनाथ, राम जी की दिनचर्या है प्रातः काल उठ कह रघुनाथा। प्रातः काल प्रभु श्री राम बिना किसी के उठाए ही, बिना किसी के जगाए अपने आप जग जाते हैं। मात पिता, पहले माता को प्रणाम करते हैं, फिर पिता को प्रणाम करते हैं, और तत्पश्चात अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। ये राम जी की दिनचर्या है। उसके बाद पूछते हैं महाराज से कि मेरे लायक क्या कार्य है जो मैं कर सकता हूँ। दशरथ जी उनको बताते हैं और कार्य पूछ करके पिता से और सारे नगर का कार्य कर दिया करते हैं राम जी। ये राम जी की जीवन की शुरुआत है। सबसे पहला लक्षण होता है अच्छे पुत्र का कि उसको जगाना न पड़े।
लगभग सभी लोग परेशान रहते हैं अपने घर में बच्चों को जगाने से। कोई बिरला ही होगा जिसको अपने पुत्र को जगाना नहीं पड़ता होगा। वो आप श्लोक है ना, वो काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। काग चेष्टा मतलब कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बको ध्यानम बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए। आप लोगों को इसका, बालिका लोग बैठे हैं शायद पूरा अर्थ ना मालूम हो। काग चेष्टा का अर्थ ये होता है कि कौवा दूर पेड़ पर बैठा होता है और उसकी चेष्टा कैसी होती है, कौवे का मस्तक जो है स्थिर नहीं रहता, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, ये एकदम तुरंत तुरंत देखता रहता है। ऐसी चेष्टा होती है कि दूर कहीं भी अगर मांस का टुकड़ा पड़ा होता है तो उड़ करके उसकी दृष्टि चली जाती है और वहां से उठा कर लेके चल देता है, इतनी उसमें चेष्टा होती है। बको ध्यानम, बगुले का ध्यान, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। उसकी क्या विशेषता होती है, बगुले की विशेषता ये होती है कि जब वो पानी में होता है तो अपना ध्यान एकदम लगाए रहता है। आप अगर हाथ डालेंगे तो चाहे हजार बार भी हाथ डालेंगे तो आपके हाथ में कोई मछली नहीं आ सकती है, लेकिन बगुले का ध्यान ऐसा होता है, इतना ध्यान केंद्रित किया रहता है पानी में कि जब वो अपनी चोंच मारता है पानी में तो मुंह में उसकी मछली आ ही जाती है, इतना तगड़ा उसका ध्यान होता है। एकदम जैसे अर्जुन का ध्यान था मछली की आंखों पर, बिल्कुल वैसा ध्यान बगुले का होता है। तो वैसे ही ध्यान होना चाहिए। बको ध्यानम स्वान निद्रा, स्वान का अर्थ क्या होता है, कुत्ता। अब स्वान निद्रा इसलिए कहा गया कि कुत्ता जब सोता है जरा सी आहट होती है तो तत्काल वो जग जाता है कि क्या है, और फिर वो आहट देखेगा अगर कहीं कुछ नहीं है तो फिर वैसे ही नींद में वो सो भी जाएगा, लेकिन फिर जरा सी कहीं आहट हुई तो फिर तुरंत उसकी नींद टूट जाती है, उसको किसी को जगाना नहीं पड़ता है। स्वान निद्रा तथैव च। और अल्पाहारी, जिनको भी अपने बुद्धि से काम करना होता है हमेशा उनको भोजन कम करना चाहिए। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, जो बहुत ज्यादा खाने वाले होते हैं आप देखिएगा वो ताकतवर भले हो लेकिन बुद्धि उनके पास नहीं होती है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा लिखा हुआ है इसलिए बता रही हूँ। आप कभी भी देखिएगा खेत में काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा खाते हैं और ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत थोड़ा खाते हैं, क्योंकि जो बहुत ज्यादा जिसकी खुराक होगी वो उसकी बुद्धि काम नहीं कर पाएगी। फिर बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, इसलिए कभी भी अगर आपको अपने दिमाग का बहुत ज्यादा प्रयोग करना है तो अल्पाहारी कम खाइए। और गृह त्यागी, घर से मोह माया ना हो, तो ये विद्यार्थी के पांच लक्षण होते हैं। काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये सारे लक्षण भगवान श्री राम में विद्यमान है, उनको किसी को भी जगाना नहीं पड़ता है। आप लोग परेशान हो जाते होंगे क्योंकि आए दिन घर घर की कहानी है। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनको अगर 8 बजे कॉलेज जाना है कितने लोग, अरे राम राम सब तो समझ में आता है, चलो ठीक है, राम जी तो बिना उठाए उठ जा रहे हैं, जो सज्जन बालक होते हैं किसी को उठाना नहीं पड़ता है। और आजकल के बालकों की ये दशा होती है कि वो अलार्म लगा के सोते हैं कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे, 5 बजे तो खैर छोड़ दीजिए, अलार्म लगाते हैं कि सुबह 6 बजे उठेंगे। अब उसको संसार का कौन सा अलार्म जगाएगा, सुबह 6 बजे अलार्म बजता है तो वो भी बंद। अब तो मोबाइल में वो भी अलार्म का सिस्टम है कि वो 5 मिनट बाद फिर रिमाइंडर देगा कि आपको उठना है, 5 मिनट बाद फिर मोबाइल चिल्लाएगा उठो उठो उठो, अरे तुम ही ने कहा था जगाने के लिए, फिर भी उसको चुप करा दिया जाता है, फिर 5 मिनट बाद रिमाइंडर दे फिर भी उसको चुप करा दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को कौन जगाएगा और ऐसे लोग क्या करेंगे अपने जीवन में। राम जी का चरित्र सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर वैसे जब आप रहने जाएंगे तो पता चलेगा कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया। मात पिता गुरु नाम ही माता, माता और पिता गुरु को सदैव प्रणाम करते हैं,
आजकल के समय में प्रणाम करने का भी सिस्टम एकदम बदल चुका है। आप सभी लोग देखते होंगे प्रणाम करने का जो सही तरीका होता है वो आप स्वयं देख लीजिएगा। आज से ही आप गिनती करिएगा, महीना दिन बीत जाएगा लेकिन वैसा प्रणाम करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। प्रणाम करने का जो वास्तविक तरीका होता है वो ये होता है कि हम दोनों हाथ जोड़ करके और झुक करके किसी के चरणों में प्रणाम करें। ये प्रणाम करने का वास्तविक तरीका है। आप ढूंढ लीजिए आजकल के समय में है कोई ऐसा जो दोनों हाथ जोड़ करके और झुक करके आपके चरणों में प्रणाम करे। एक तो एक हाथ से प्रणाम करते हैं वो भी पूरा नहीं झुकते हैं, और 40 साल में ही लगता है पूरा वो कमर की दर्द होने और 40 साल में ही बेल्ट बांधने लगते हैं क्योंकि उतना झुकना भी उनको मंजूर नहीं होता है। एक तो एक हाथ और दूसरे घुटना छू करके कहेंगे प्रणाम पाव लगे। वो कुछ लोग की आदत है दूर से ही ऐसे हाथ उठा के बोलेंगे प्रणाम। हम तो यही जानते हैं नेता और मंत्री लोग भाषण में ऐसे हाथ उठाते हैं। बड़ों को सम्मान देना हो तो हाथ तो नहीं उठाते हैं, बड़ों को सम्मान देने के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है, झुकाया जाता है। लेकिन सब बदल गया है। राम जी की कथा सुनने नहीं है, कुछ उतार लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ भी अगर उसका अनुकरण मात्र एक इसी चौपाई का, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा, मात्र अगर एक यही चौपाई ठीक से सुन लिया जाए, समझ लिया जाए और एक ही चौपाई का अनुकरण कर लिया जाए तो पूरा जीवन बन जाएगा। तो याद भी नहीं होता होगा कितना दिन बीत जाता होगा माता पिता जी का पैर छुए हुए। कितने लोग होते हैं जो रोज माता पिता को प्रणाम करते हैं? कोई नहीं है। अब बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो किसी पर्व इत्यादि पर अपने माता पिता को प्रणाम कर लेते हैं? वो भी अच्छा आप करते हैं, और लोग भी होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो जब घर से कहीं बाहर के लिए जाते हैं तो अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं? ऐसे तो कुछ लोग होंगे ही होंगे। कहते हैं इस दुनिया में अगर वास्तव में किसी की सेवा सर्वोपरि है तो माता पिता की है। इस पृथ्वी पर 5 प्रत्यक्ष देवता ऐसे हैं जिनका दर्शन हम रोज करते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जिनको हम रोज देख सकते हैं। वो 5 देवता माता पिता गुरु सूर्य और धरती, ये 5 देवता ऐसे हैं जिनका दर्शन हम रोज कर सकते हैं। प्रातः काल उठिए तो कम से कम इतना नियम तो रखिए ही। अगर आपके घर के बच्चों को नहीं पता है तो आप ही सिखाइए। प्रातः काल उठते ही क्या करते हैं? हस्तरेखा देखते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, क्या है आगे, कर मध्ये सरस्वती और कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, कराग्रे वस्ते फेसबुकम और कराग्रे मध्ये व्हाट्सएपम और कराग्रे मूले कुछ तो होगा ही, अरे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और प्रभाते कप दर्शनम, कर दर्शनम कौन करे। कुछ लोग की इतनी गंदी आदत होती है, कहते हैं हम जब तक हमको बेड टी नहीं मिलेगा तब तक हम उठेंगे नहीं। कुछ लोग को ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, सच्ची बता रही हूँ, आप जब दुनिया घूमने निकलेंगे तब आपको पता चलेगा। कुछ लोग को ये कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमको तो सुबह कप टी के बिना जो है बेड टी के बिना हमारी नींद ही नहीं खुलती। लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें हमारी बड़ी बड़ाई हो रही है, ऐसा नहीं लगता है कि इसमें हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है? गर्म पानी पी रहे हैं एक गिलास तो भी समझ में आ रहा है, ठंडा पानी पी रहे तो भी समझ में आ रहा है, चाय पीने पिए बिना नींद नहीं टूटती, ये भी कितनी बुरी आदत है। आदत तो बस जो आप आदत लगाएंगे वही लग जाएगी। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। भजन का मतलब यही होता है, बुरी आदतों को एक बार आप सही कर लीजिए। तो राम जी का जो प्रथम कर्तव्य है वो ये है कि वो अपने माता पिता को बहुत प्रसन्न रखते हैं, मात पिता गुरु नाम ही माता। और ये सिर्फ इस चौपाई में नहीं निहित है, पूरे श्री रामचरितमानस में यही निहित है। आप कहीं भी रामचरितमानस की कथा सुन लीजिएगा, एक वास्तविकता आपको अभी बता देते हैं अगर नहीं भी पता हो तो। जब राम जी को वनवास हुआ तो दशरथ जी ने अपने मुंह से राम जी को नहीं कहा है कि राम तुम वन को जाओ,
भले ही उन्होंने कैकेयी को वचन दे दिया, लेकिन उन्होंने अपने मुख से राम को नहीं कहा कि तुमको वनवास जाना है। सुमंत्र से ये कहा कि वन दिखा करके लौटा के लेके चले आना, लेकिन राम को वन में मत छोड़ना। लेकिन राम जी जैसा पुत्र, राम जी बस ये जान गए थे कि मेरे पिता ने वचन दे दिया है, और हमारे रघुकुल का नियम है कि प्राण भले ही चले जाए, वचन नहीं टूटना चाहिए। अब अगर पिता ने वचन दे दिया तो उस वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। है कोई पुत्र संसार में ऐसे? 14 वर्ष 14 महीना तो बड़े दूर की बात है, 14 दिन भी अगर बाप कहे बेटा से कि तू चला जा मेरे काम के लिए, तो भी बेटा नहीं जाएगा। आजकल का बेटा बाप को भले बनवास दे देगा, लेकिन अपने नहीं जाएगा। और 14 वर्ष की कल्पना कौन करे? आए दिन घर में ये भी होता है कि अगर बाप बेटा से कहता है जा बेटा सब्जी लेते आ, तो बेटा कहता है पिताजी आप ही लेते आ। सब्जी लाने तक बेटे नहीं जाते हैं, तो उनसे आप और चीज़ की क्या उम्मीद कर सकते हैं? चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, सभी के माँ बाप होते हैं। और ऐसा कहा गया है कि मात पिता के चरण छुए तो सब तीर्थों का फल पावे, और ये आशीष जो दिल से देवे तो प्रभु से भी न टाली जावे। माता पिता के आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी उसका अहित नहीं कर सकते जिसने माता पिता का आशीर्वाद पा लिया। और सबसे बड़ी बात ये, जो भी चाहता है कि मेरा बुढ़ापा बहुत अच्छा रहे, वो सीधी सी बात है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करे, क्योंकि आप वही पाते हैं जो आप देते हैं। यदि आप किसी को सम्मान दे रहे हैं तो सम्मान पाएंगे, यदि किसी को सम्मान नहीं दे रहे हैं और सम्मान चाहेंगे तो कदापि आपको सम्मान नहीं मिलेगा। चाहे आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, आपको सम्मान मिलने वाला नहीं है। बस यही नियम है संसार का। यहाँ तो लोग अपने अच्छे की उम्मीद करेंगे, अपने सोचेंगे कि मेरा बेटा खूब मेरी सेवा करे, हम भले ना करें वो चलेगा। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप देखते होंगे आपके घर का बालक, आप बालक वो नहीं करता है जो आप कहते हैं, बालक वो करता है जो आप करते हैं। छोटा सा बालक है, उसको कोई भी नहीं सिखाता कि बेटा ये लो इस मोबाइल में हेलो बोलो, लेकिन वो देखता है कि ये कोई ऐसी चीज है जिसमें हेलो बोली जाती है, लोग इसमें हेलो बोलते हैं, तो वो भी उठा करके हेलो हेलो बोलने लगता है। उसको कोई सिखाता है क्या? कोई नहीं सिखाता। घर में अगर वो देखता है कि माँ मंदिर जा रही है और माँ प्रणाम कर रही है, तो अगर बालक को नहीं भी बताया जाता है तो माँ प्रणाम करती है, तो जहाँ जहाँ माँ झुकेगी बेटा वहाँ वहाँ अपने आप झुकता है। माँ अगर घंटी बजाएगी तो बेटा अपने आप घंटी बजाएगा, क्योंकि वो वही देख रहा है। और मैंने ये भी देखा है, जिस घर में दादाजी सुरती खाते हैं तो बच्चों से पूछा जाता है कि दादाजी सुरती कैसे खाते हैं, तो छोटा सा बालक 1.5 साल का ऐसे बताता है, ऐसे खाते हैं सुरती। अब अगर उसने नहीं देखा होता तो उसको कैसे पता होता कि सुरती कैसे खाते हैं, लेकिन उसने देखा है तो उसको उसके दिमाग में है कि सुरती कैसे खाते हैं, खैनी कैसे खाते हैं, क्योंकि वही देख रहा है। इसलिए कभी भी बालकों के सामने ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जो आगे चल करके आप ही के लिए घातक बन जाए। आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो कुछ भी आप कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए कि आपको कोई देखने वाला है, और आप जो भी कर रहे हैं उससे कोई सीखने वाला है। अगर आप किसी बालक के सामने गाली देते हैं तो आप तो गाली देकर निकल जाते हैं, लेकिन बालक के मन में वो बात बैठ जाती है, और कहीं जब बालक की लड़ाई होती है तो वही गाली बालक अपने भाषा में उसको प्रयोग करने लगता है, अपने शब्दों में उसको प्रयोग करने लगता है। तो माता पिता जीवन के वो स्तंभ हैं कि यदि साथ में हैं तो आप सारी दुनिया से जीत सकते हैं, और साथ में नहीं हैं तो सब कुछ होते हुए भी आप अपूर्ण हैं, आपके पास कुछ नहीं है। एक बार एक गांव का पिता जो खेती करता था, उसने अपने पुत्र को खेती करके पढ़ाया लिखाया, बहुत मेहनत की, उसको बड़ा बनाया,
इतना बड़ा बनाया कि बेटा शहर में मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ के पद पर अवस्थित हुआ। काफी समय बीत गया। एक दिन ये किसान पिता जो गांव में रहता था, उसने सोचा कि जरा चल करके अपने बेटे से मिलूं। तो इतने बड़े मल्टीनेशनल कंपनी का वो सीईओ है, मैं भी तो देखूं कि मेरे बेटे का कैसा रुतबा है। गांव से वो पिता आता है शहर में, अपने बेटे के जब ऑफिस आता है तो सब सर सर कह करके उसके बेटे को बुलाते हैं। उसका सीना एकदम प्रसन्नता से फूल जाता है, ये क्या बात है, मेरे बेटे ने कितना मेहनत किया है। उस बाप ने कितना मेहनत किया है वो अपना मेहनत भूल जाता है अपने बेटे की उस उपलब्धि को देख करके। ऑफिस में पहुंचता है, बेटा भी अवाक, बेटे को सरप्राइज होता है, उसने उम्मीद नहीं की है कि पिता आ रहे होंगे। आता है पिता, तो पिता ने अपने पुत्र के सर पे हाथ रखा, कहा बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, सब तुझे सर सर कह करके और तेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, तू बहुत ताकतवर है। बेटे ने कहा कि हाँ पापा, ताकतवर तो हूँ मैं, इसमें कोई संदेह नहीं, एकदम सत्य कहा आपने। तब तक पिता को लगा कि मैं कह रहा हूँ तो कह रहा हूँ, ये क्यों कह रहा है कि ये ताकतवर है, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें अभिमान आ गया। पिता फिर पूछता है, अच्छा सबसे ताकतवर कौन है? उसने कहता है मैं हूँ। पिता सर पर से हाथ फेरते हुए और वापस मुड़ करके जाने लगता है कि अब लगता है मेरे बेटे के जीवन में अभिमान आ गया है। जाता है दरवाजे के पास, रुक करके सोचता है एक बार और पूछता हूँ, पलट करके और कुर्सी पे बैठा होता है बेटा, फिर एक बार पूछता है, बेटा सबसे ताकतवर कौन है? बेटा कहता है कि आप हैं। पिता हंसने लगता है, मैं? लेकिन तुमने तो कहा तुम हो। बेटा ने कहा कि पापा जब आप मुझसे पूछ रहे थे तो उस समय आपका हाथ मेरे सर पर था, और जब आपका हाथ मेरे सर पे होता है तो मैं उस समय दुनिया में सबसे ताकतवर सिर्फ अपने आप को समझता हूँ, बाकी मुझे कोई ताकतवर नहीं दिखाई देता है। लेकिन अब जब आप पूछ रहे हैं तो आप मेरे सामने हैं, तो अब जब आप मेरे सामने हैं तो मुझे पूरे संसार में आपसे ताकतवर कोई नहीं दिखाई देता है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके मुझे इस योग्य बनाया है। कहने का तात्पर्य ये है, माता पिता क्या हैं? हम अगर एक घड़ा हैं तो माता पिता उस घड़े पे रखे ढक्कन की भांति हैं। जरा सा ढक्कन हटा नहीं कि उसमें गंदगी आकर के गिरी, लेकिन जब तक ढक्कन है तब तक एकदम आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, सही सलामत हैं। इसलिए कभी भी माता पिता को निराश मत करिए। भगवान अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर किसी के कर्मों से माता पिता प्रसन्न हो गए तो समझ लीजिए उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया, उन्हीं के चरणों में सारे स्वर्ग हैं और सारे वैकुंठ हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। कि सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही हाथ से अपने हो
सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आगे कथा सुनाते हुए शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि गांधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनुन मरही न निश्चर पापी। गांधी तनय अर्थात विश्वामित्र जी जब भी यज्ञ करने जा रहे थे तो रावण के दूत, रावण की सेना, जो राक्षसी सेना आकर के, राक्षसी सेना है वो आकर के विश्वामित्र जी के यज्ञ कुंड में मांस मदिरा हड्डियां ला करके डाल दिया करते थे, जिससे कभी भी विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा था। विश्वामित्र जी के मन में बड़ी चिंता हुई, क्या करूं मैं, ये राक्षस, हम लोग तो बैठ जाते हैं यज्ञ करने, और यज्ञ करने जो बैठता है वो नियम में बंधा होता है कि यज्ञ को छोड़ करके न वो किसी को श्राप दे सकता है न यज्ञ में से उठ सकता है। बड़ी चिंता हुई विश्वामित्र जी को। हम अनुष्ठान में हैं लेकिन यज्ञ की रक्षा कैसे होगी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, भगवान के बिना इन पापियों का संहार नहीं हो सकता। तब मुनिवर मन किन्न विचारा, हर अवतरे हूं हरन मही भारा। तब विश्वामित्र जी मन ही में विचार करने लगे कि मैं क्यों इतनी चिंता कर रहा हूं, भगवान ने इसीलिए तो अवतार लिया है पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, इन राक्षसों के संहार के लिए, मुझे तो शीघ्र चलना चाहिए और दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को मांगना चाहिए। आ जाते हैं विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए। महाराज दशरथ को सूचना मिलती है कि विश्वामित्र जी पधार रहे हैं, यथोचित स्वागत सत्कार करते हैं महाराज दशरथ, उच्च आसन पर बैठाते हैं, हाथ जोड़ करके भोजन इत्यादि कराने के पश्चात पूछते हैं, गुरुदेव बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और तब विश्वामित्र जी दशरथ जी से कहते हैं कि अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत कहा अनुज समेत देह रघुनाथा दशरथ, मैं राम के साथ लक्ष्मण को, दोनों भाइयों को लेने के लिए आया हूँ। निश्चर बध मैं हो सनाथा, मैं यज्ञ कर रहा हूँ और राक्षस आकर के यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं, वो राक्षसों का संहार करेंगे और मेरे यज्ञ की पूर्णावती हो जाएगी। जब दशरथ जी इस वाक्य को सुनते हैं कि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए हैं तो उनका मुख सूख जाता है, एकदम व्याकुल हो जाते हैं। दशरथ जी को देख करके ऐसा लगता है मानो एकदम किसी ने उनके प्राण मांग दिए हों, ऐसे चेहरे पर एकदम चिंता छा जाती है। पुनः हाथ जोड़ करके और विश्वामित्र के चरणों में एकदम बैठ जाते हैं, सामने से हट के चरणों में बैठ गए हैं और चरणों में बैठ करके कहने लगते हैं कि सुने राजा अति प्रिय वाणी, सुने राजा अति प्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुखे मुख मुलानी, हृदय कंप मुख दुखे मुख मुलानी। मुख जो है सूख जाता है। आगे क्या कहते हैं गुरुदेव से कि चौथे पन पाया वचन नहीं कहे हो विचार।
पन पायो सुतचारी। दशरथ जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने अपने उम्र के चौथे पन में पुत्र को पाया है। आपने मांगा लेकिन विचार करके नहीं मांगा, आपको क्या मांगना चाहिए। और अगला वाक्य कहते हैं, मांगो भूमि धेनु धन कोसा सर्वस देव आज सहरोसा। आप मुझसे भूमि मांग लीजिए, जितनी चाहे भूमि मांग लीजिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। धेनु जितनी चाहिए गौएं मांग लीजिए, मैं आपको पूरे अयोध्या के गौएं देने को तैयार हूँ। धन जितना चाहे धन मांग लीजिए, वो भी देने को तैयार हूँ। सर्वस्व देव आज सरोसा, आज आप मुझे सर्वस्व मांग लीजिए, मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ। अगला वाक्य क्या कहते हैं, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही सो मुनि देव निमिष एक माही। प्राणों से प्यारा तो किसी को कुछ नहीं होता है ब्राह्मण देवता, आप मांग करके देखिए, मैं वो भी आपको दे दूंगा, लेकिन राम को मत मांगिए। विश्वामित्र जी मौन हो जाते हैं, निरुत्तर हो जाते, मैं अभी इसको क्या मैं बोलूं। बहुत आस लेकर के कभी कोई आपके पास मांगने आता है, जो मांगने आता है आप कह दीजिए कि बाकी सब मांग लो, जो मांगने आए हो बस वही नहीं देंगे। मांगने वाले को कैसा लगेगा फिर? अब हर कोई तो बहुत लालची होता नहीं है कि हाँ हाँ ठीक है सब दे दो, उससे भी काम चल जाएगा। जो उत्कृष्ट होते हैं, जिनका आत्मसम्मान होता है, वो जो मांगने आए हैं वही लेंगे, बाकी उसके सिवा कुछ नहीं लेंगे। विश्वामित्र जी से कहते हैं दशरथ जी कि सब सूत प्रिया मोहि प्राण किना, कहते हैं वैसे तो सारे पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई, राम को देते हुए नहीं बन रहा है, कुछ और मांग लीजिए आप मुझसे। विश्वामित्र जी निराश होकर के बैठे हैं, कुछ और मांगते नहीं हैं, दशरथ जी राम को दे नहीं पाते हैं। और फिर इस समस्या के समाधान के लिए वशिष्ठ जी आते हैं। वशिष्ठ जी को अपनी सारी व्यथा विश्वामित्र जी बताते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप तो जानते हैं वशिष्ठ जी, आप सब कुछ जानने वाले हैं, मैं एक साधु हूँ संत हूँ, मुझे धन धान्य गायों की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे संसार के हित के लिए यज्ञ करना है, अपने लिए भी नहीं करना है। और आप जानते हैं हरिविन मरे इन निश्चर पापी, राम और लक्ष्मण के बिना वो राक्षस किसी और से मरेंगे नहीं, इसलिए मैं इनको लेने के लिए आया हूँ। वशिष्ठ जी सारी स्थिति समझ गए। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया, बड़ी अच्छी बात समझाई, सभी को समझने लायक है। वशिष्ठ जी ने याद दिलाया कि दशरथ वो समय याद करो जिस समय तुमको एक भी पुत्र नहीं था, उस समय तुम क्या चाहते थे कि तुमको सिर्फ एक पुत्र हो जाए। तुम बार बार यही बात कहते थे कि मुझे तो सिर्फ एक पुत्र चाहिए जो मेरे राज्य का उत्तराधिकारी है। तुमने जब एक मांगा भगवान से तो भगवान ने तुम पे कितने कृपा की, चार दिया। मांगते समय भगवान ने तुम्हारे लिए इतनी उदारता दिखाई, वो भी तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुमने यज्ञ किया, यज्ञ के प्रसाद के ये फल है, अर्थात ये यज्ञ के पुत्र हूँ। और आज उसी यज्ञ की रक्षा के लिए साधु तुम्हारे पास उस चार में से दो मांगने के लिए आ गया जो तुम देने में आनाकानी करने लगे। प्रत्येक जीव की यही दशा होती है।
हम सभी लोग जब जाते हैं भगवान के मंदिर में, जीवन की आवश्यकताएं सभी की हैं। किसी को अगर 5 लाख रुपए चाहिए होते हैं किसी काम के लिए, तो भगवान से जा कर के कहता है, हे प्रभु 5 लाख रुपए में मेरा सारा काम बन जाने वाला है। लेकिन आपको कितना चाहिए ये भगवान जानते हैं। भगवान सोचते हैं 5 लाख में क्या होगा बेटा, तो 20 लाख ले जाए। 20 लाख दे दिया प्रभु ने। अगर आप गणित के क्रम से देखें तो 15 लाख आपको बोनस दे दिया प्रभु ने बिना मांगे, आपके पास 20 लाख हो गया। अब यदि कोई उसी भगवान के नाम पर कहीं यज्ञ या मंदिर या दान अनुष्ठान के नाम पर आपसे मांगने के लिए आ जाता है कि जरा हमें 2,000, 20,000, 15,000 रुपया दे दो, तो आप उसको देने में आनाकानी करने लगते हैं। उस समय आप भूल जाते हैं कि मैंने तो भगवान से सिर्फ इतना ही मांगा था, भगवान ने भी तो कितनी उदारता दिखाई कि मुझे इतना दे दिया। और जब हमारे सामने कोई मांगने के लिए आता है तो हमको लगता है कि ये सब कुछ तो हमने कमाया है, ये तो सब हमारा है, कैसे हम इसको दे दें। भ्रम हो जाता है सभी लोगों को, कितने लोग आनाकानी करने लगते हैं। हम लोग के पास बचपन से कथाएं होती हैं, पहले कितना सुनने को मिलता था, इन्होंने जो है यज्ञ में 5,000 रुपये लिखवाया है। लोग कहते थे, मांगने वाले लोग बताते थे कि 5,000 रुपये अगर किसी के नाम से रसीद हम लोग भेजते थे तो देख करके ही भेजते थे कि वो 5,000 देने लायक है कि नहीं है। लेकिन वो 5,000 रुपया लेने के लिए उसके दरवाजे पर 5 बार जाना पड़ता था। कभी अगला बोल दे कि बता दीजिए घर में नहीं है, तो अभी जो है कैश घर में नहीं है। ये बहाने होते हैं, क्योंकि देने वाले बहाना नहीं ढूंढते, देने वाले तुरंत दे देते हैं, वो कभी कल पे नहीं टालते हैं। महाभारत की एक छोटी सी कहानी है। एक बार युधिष्ठिर अपने दरबार में बैठे हुए थे, एक याचक आया दान मांगने के लिए, कुछ कार्य में व्यस्त थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने कह दिया, ब्राह्मण देवता आज हम बड़े व्यस्त हैं, आप जाइए कल आ जाइए। चले गए ब्राह्मण देवता और तब तक भीम बाहर निकले और विजय घोष का नगाड़ा बजाने लगे। वो विजय घोष का नगाड़ा तब बजाया जाता है जब राजा किसी राज्य पर से विजय प्राप्त करके आ रहे हों, तो विजय घोष का नगाड़ा नगर में बजाया जाता है। जब विजय घोष का नगाड़ा बजने लगा, सारे नगरवासी धीरे धीरे एकत्रित हो गए। सब पूछने लगे, महाराज तो कहीं गए नहीं, भीम किसी पर विजय प्राप्त नहीं किया, किसी से युद्ध नहीं किया, फिर तुम ये विजय घोष का नगाड़ा क्यों बजा रहे हो। भीम ने कहा कि आप लोगों को पता नहीं है, हमारे भ्राता युधिष्ठिर ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है। सब लोग हंसने लगे, ये भीम लगता है पागल हो गया है। युधिष्ठिर आए महल से बाहर निकल करके, क्या बात है भीम। लोगों ने कहा कि महाराज मैंने, हम लोगों ने सुना है कि आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए। युधिष्ठिर ने कहा, किसने कहा। तो भैया भीम बता रहे हैं। भीम से युधिष्ठिर ने कहा, तुम पागल हो गए हो भीम, मूर्ख हो क्या, मृत्यु पर आज तक भला कोई विजय प्राप्त कर पाया है जो मैं कर पाऊंगा। भीम ने कहा, भैया लोगों की तो नहीं जानता, इतना जानता हूँ आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। कहा, कैसे। कहा, आप जानते हैं कि आप कल भी जीवित रहेंगे, तभी तो आपने उस ब्राह्मण को लौटा दिया। और तब युधिष्ठिर को लगा कि मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा था, वास्तव में मैं तो स्वयं नहीं जानता मैं कल जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, और मैंने उसको कह दिया कल आना। तुरंत उन्होंने बुलाया उस ब्राह्मण को और वो जो चाहता था उसको दिया। कभी अगर किसी को गाली देने का विचार मन में आए, किसी से लड़ने झगड़ने का विचार मन में आए, तो उसके लिए अपने आप को टाइम दीजिए, क्योंकि क्रोध क्षणिक होता है, आधे घंटे का, एक घंटे का हो सकता है, 2 घंटे का हो सकता है क्रोध रहे। आज आप सोच रहे हैं कि हम फला अगर सामने होता तो हम उसको जान से ही मार डालते, लेकिन 10 दिन बाद जब वो सामने आता है तो वैसा क्रोध आपका नहीं रहता है, आपका क्रोध शांत हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कहाँ सुनी भी नहीं होती, सीधे आप बोलना बस बंद कर देते हैं, लेकिन वो जो तत्काल क्षणिक जो क्रोध होता है, वो क्रोध तो कहता है कि हम सामने वाले को जान से मार डालें। कभी कभी लोगों को ऐसा क्रोध आता है, कभी किसी के साथ कुछ अनुचित होता है, तो कभी अगर गलत ख्याल मन में आए तो उसके लिए समय दीजिए, लेकिन अगर कोई सत्कर्म की प्रेरणा अंदर से आपके आती है तो उसके लिए कभी भी अपने आप को समय मत दीजिए।
कल कभी किसी ने देखा नहीं है। वशिष्ठ जी समझाने लगे कि देखो यही जीव की विडंबना होती है। ईश्वर जब जीव को देते हैं तो अपनी उदारता दिखाते हैं, एक के बजाय चार गुना देते हैं, और उसी चार गुना में ईश्वर ने जो दिया उसी में से जब कोई मांगने आता है तो तुम्हारे ही जैसे लोग ऐसे आनाकानी करने लगते हैं। और फिर वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत प्रकार से समझाए और ये कहे कि धैर्य रखो, हमारी बात पर विश्वास रखो, तुमने जब एक मांगा था तो तुमको कितना मिला था, चार। अब अगर तुम जब दो दे रहे हो तो ये विश्वास रखो कि इसका भी तुम्हें चार गुना ही मिलेगा। दो का चार गुना कितना होता है, आठ। तो अब तुमको आठ मिलेगा। और आप देखेंगे दो लोग राम लक्ष्मण जब गए अयोध्या को छोड़ करके और जब वापस आते हैं तो चारों भाइयों का विवाह होता है, वो चार से आठ हो जाते हैं। वशिष्ठ जी बहुत प्रकार से समझाते हैं कि विश्वास रखो, हम लोग तुम्हारा अहित नहीं चाहेंगे। और तब दशरथ जी राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ लगा देते हैं। आज बहुत प्रसन्न हैं विश्वामित्र जी। विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी मन ही मन विचार करते हैं, महानिधि का अर्थ होता है खजाना और महा का अर्थ माने बहुत बड़ा। विश्वामित्र जी को लगता है संसार का खजाना मेरे साथ है। राम लक्ष्मण को लेकर के चलते हैं और राम जी ताड़का का वध करते हैं मार्ग में। ताड़का का वध करते हुए पहुंचते हैं, राम जी कहते हैं प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। हे गुरुदेव आप जा करके निर्भय हो करके यज्ञ करिए, मैं इन राक्षसों का नाश कर लूंगा। विश्वामित्र जी बैठे हैं यज्ञ करने के लिए, मारीच और सुबाहु आते हैं। मारीच को प्रभु ने मारा है जो 100 योजन दूर जा करके गिरता है। सुबाहु पर अग्निबाण का प्रयोग किया है, तब तक लक्ष्मण जी सारे राक्षसी सेना का संहार करते हैं। विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण होता है, अति प्रसन्न है विश्वामित्र जी। जब यज्ञ पूर्ण होता है तो उस समय विश्वामित्र जी के पास जनकपुर से धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया हुआ है। यहाँ धनुष यज्ञ की बात सुनते हैं विश्वामित्र जी और ये बात बताते हैं श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को। तुलसीदास जी लिखते हैं कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले बरे के साथा, हर्षि चले बरे के साथा, हर्षि चले। धनुष यज्ञ की बात सुन करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण मुस्कुराते हुए जनकपुर की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ जनकपुर में धनुष यज्ञ का आयोजन रखा गया है कि जो शिवजी के धनुष को तोड़ देगा उसी से सीता का विवाह होगा। बड़ा ही विचित्र सा ये प्रण है महाराज जनक का। जनक जी ने ऐसा प्रण क्यों किया है, इसलिए एक बार जब जानकी जी छोटी थी, सीता जी छोटी थी, जनक जी को कहीं बाहर जाना था, तो जनक जी ने सीता जी से कहा कि जानकी सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ और जब तक मैं लौट करके ना आऊँ इष्ट देवता की पूजा की देखभाल सब तुम्ही को करनी है, अच्छे से पूजा करना मन लगा करके। जानकी जी ने कहा ठीक है कर दूंगी। जनक जी चले गए। अब जब जानकी जी आई पूजा करने के लिए तो उन्होंने देखा जहाँ इष्ट देवता है वहाँ धनुष रखा हुआ, बाकी जगह तो साफ है लेकिन जहाँ धनुष ये रखा हुआ था वो धनुष के नीचे बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा गंदगी दुनिया भर की, क्योंकि वो धनुष जब लाए थे हाथी घोड़े उठवा करके और तब जा करके धनुष आया था, इतना वजन है उस धनुष में। सीता जी ने जब देखा तो उस धनुष को उठा करके और उसके नीचे का स्थान उन्होंने सोचा कि मैं इसको एकदम अच्छे से साफ कर दूं,
अच्छे से साफ सुथरा करके और वापस से वहाँ धनुष रख दिया। जब जनक जी आए, जनक जी जब पूजा वाले कक्ष में प्रवेश किए तो जनक जी ने देखा कि सब तो ठीक है, लेकिन ये इतना वजनी धनुष, इतना कठोर धनुष किसने उठाया होगा? ये इसके नीचे का स्थान इतना साफ सुथरा, जब से ये धनुष आया तिल भर भी कोई हिला भी नहीं सकता है, इसलिए उसके नीचे इतनी गंदगी थी। आश्चर्य चकित होते हुए उन्होंने बुलाया सबको, कौन सफाई किया है? जानकी जी आई, पिताजी क्या बात है? जनक जी ने पूछा, जानकी तुम बताओ कि ये सफाई किसने की है? जानकी जी ने कहा, मैंने किया है। जनक जी को विश्वास नहीं हुआ, इसकी अवस्था इतनी छोटी है, क्योंकि जब सीता जी का विवाह हुआ था तो सीता जी की उम्र मात्र 6 वर्ष की थी। अब छोटी सी अवस्था है सीता जी की। जनक जी को विश्वास नहीं हुआ, जनक जी ने कहा कि परंतु जानकी, ये धनुष तो बड़ा भारी है, कैसे उठाया तुमने? अब जानकी जी बड़े भोले स्वर में बाएं हाथ से फिर से धनुष को उठा करके और कहने लगी, ऐसे। अब जनक जी अवाक होकर के देखने लगे, मन ही मन विचार करने लगे, जिस धनुष को उठाने के लिए इतने बलशाली योद्धा लगे थे, तिल भर भी कोई उठा नहीं सका, बाएं हाथ से इस कन्या ने इस धनुष को कैसे उठा लिया? और उसी समय मन ही मन विचार करने लगे कि मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे घर में जगत जननी ने जन्म लिया है, जगत जननी मेरे घर आई है, क्योंकि ये कोई साधारण बालिका नहीं हो सकती। अब जनक जी बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, जनक जी को चिंता हो गई कि अगर शक्ति ने अवतार लिया है तो ब्रह्म ने भी अवतार लिया ही होगा। अगर शक्ति मेरे पास आई है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इसको ब्रह्म के हवाले कर दूं। लेकिन अब जनक जी विचार करते हैं कि अगर शक्ति साधारण सी कन्या के वेश में आई है तो ब्रह्म भी साधारण मनुष्य के वेश में आए होंगे, मैं कैसे पहचानूंगा कि ब्रह्म कौन है इस ब्रह्मांड में, कहां कहां जाऊंगा मैं ढूंढने? फिर जनक जी ने विचार किया, अगर शक्ति धनुष को उठाने में समर्थ है तो ब्रह्म इस धनुष को तोड़ने में जरूर समर्थ होगा, क्योंकि शक्ति से ज्यादा सामर्थ्य होगा ब्रह्म के पास। इसलिए उन्होंने ऐसा प्रण रखा कि मैं जब धनुष यज्ञ रखूंगा तो जो इसको तोड़ेगा मैं समझ लूंगा वही ब्रह्म है, और उसी को मुझे सीता को समर्पित करना है। ये सब विचार करके और जनक जी ने धनुष यज्ञ का आयोजन रखा कि जो इस धनुष यज्ञ में इस धनुष को तोड़ देगा वही मेरी जानकी का वर होगा। प्रभु श्री राम अखंड ज्ञान घनेश्वर हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। यहाँ एक शब्द लिखते हैं तुलसीदास जी कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। हरस अर्थात प्रसन्न होकर के प्रभु श्री राम चलते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जानते हैं कि हम ब्रह्म हैं और सीता भक्ति है। तो ब्रह्म सबसे ज्यादा प्रसन्न तभी होते हैं जब उनको भक्ति से भेंट होती है। ये सोच करके श्री राम अति प्रसन्न है कि अब भक्ति से मिलने का समय आ गया है। प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण दोनों लोग तैयार होते हैं, जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज चलने दीजिए, कल प्रभु को जनकपुर में हम पहुंचा देंगे, क्योंकि कल प्रभु का यहाँ विवाह है, विवाह का उत्सव है। तो सभी लोग बड़े प्रेम से भाव से एक दो भजन, तत्पश्चात कुछ मंच की व्यवस्था, और उसके पश्चात सभी लोग भगवान की आरती करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
रामचंद्र जी महाराज की जय। आइए आज इस पावन अमृतमयी श्री राम कथा जो विगत चार दिनों से आपके ग्राम सभा लक्ष्मीपुर में चल रही है, इस पावन कथा में पधारे हुए हमारे कुछ अतिथिगण जिन्हें कथा आयोजन का परिवार श्री ओम प्रकाश मिश्र जी, आनंद मिश्र जी, श्री शशिकांत मिश्र जी, श्री आत्म प्रकाश मिश्र जी, श्री सूर्य प्रकाश मिश्र जी, श्री चंद्र प्रकाश मिश्र जी एवं समस्त मिश्रा परिवार आयोजन कर रहा है। जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य श्री बड़े बाबूजी पंडित राम नरेश मिश्र जी, बीच वाले बाबूजी पंडित श्री राम सेवक मिश्र जी एवं पंडित श्री राम सजीवन मिश्र जी को श्रवण कराने हेतु आयोजित किया गया है। युवा भैया लोगों को की तरफ से सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा मंच पर श्री राजकिशोर तिवारी जी, ग्राम प्रधान खेवईपुर से। कृपया आप यहाँ मंच पर आएं और परिवार का स्वागत स्वीकार कर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही श्री मनोज तिवारी जी जो राष्ट्रीय सहारा के चीफ ब्यूरो हैं, कृपया आप भी मंच पर आवें और व्यासपीठ से शुभ आशीष प्राप्त करें। श्री डॉक्टर अमित पांडे जी राष्ट्रीय सहारा से, कृपया आप भी मंच पर आवें और व्यासपीठ से शुभ आशीष प्राप्त करें, परिवार का सम्मान स्वीकार करें। श्री मास्टर अरविंद मिश्रा जी, कृपया आप भी मंच पर आवें और परिवार का सम्मान एवं व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मीडिया के जो भी बंधु हमारे बीच आए हुए हैं, मिश्रा परिवार की तरफ से हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्हीं के माध्यम से यहाँ चल रही कथा में अनुपस्थित लोग, जो लोग नहीं आ पाते हैं, जो आने में असमर्थ हैं, उन तक इन्हीं लोगों के माध्यम से, समाचार के माध्यम से कथा श्रद्धालुओं तक पहुंच जाती है। इसके लिए इन सभी लोगों को विशेष धन्यवाद है। हमारे बीच श्री राममूर्ति पंडित जी भी हैं, कृपया आप भी मंच पर आवें और परिवार आपको भी सम्मान प्रदान करना चाहता है, आप भी आएं कृपया और व्यासपीठ से शुभ आशीष प्राप्त करें। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। कल की कथा में भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह है, तो सभी लोग पधारेंगे और साथ में और लोग को लेकर के भी आएंगे, क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं है कि
कार्ड पे एक ही लोग का नाम दिया गया है तो एक ही लोग आएंगे, सब परिवार आएंगे, सब लोग सब परिवार निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे। भैया ने बहुत सारी तैयारी भी की है, वैसे तो तैयारियां प्रथम दिन से ही भैया की काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन कल के दिन की कुछ विशेष तैयारी है, विशेष मिठाई भी है और बारात भी भैया मंगवाने वाले हैं। तो जो इन्होंने इतना परिश्रम किया है आप लोगों को यह आनंद देने के लिए प्रभु के विवाह का, तो इसका सभी लोग आप लोग लाभ उठाएंगे, कल सभी लोग पधारेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की। आइए आरती में प्रवेश करते हैं और आरती के पश्चात सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। प्रसाद हमारे मिश्रा परिवार के युवा भैया लोग आपके बीच लेकर के जाएंगे। आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं।
उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर गृहाणां परमेश्वरी प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।